पानी के उबलने के बाद, पानी पर सब उबलने वाला है, उबलते हुए पानी में हम आटा डालेंगे। आपको सादी रोटी बनानी है तो बस इतना ही काफी है, आटा डाल के उसको मिक्स करके हम ढक देंगे। पर क्योंकि हम मक्की रोटी बना रहे हैं तो उसमें हम कुछ एक आध चीजें और मिलाएंगे। तो उबलते हुए पानी में आटा डालने के प्रोसेस को ऑटोलिसिस कहते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा प्याज, धनिया, थोड़ा नमक, इतना टेस्ट के हिसाब से मिक्स करके। इसे हम ढक के थोड़ी देर रख देंगे। गैस हमने स्विच ऑफ कर दी है, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे इसे हम, पर जब थोड़ा गर्म रहेगा उसी समय हम इसे निकाल कर और थोड़ा सा और नीट करेंगे। तो थोड़ा 5 से 7 मिनट इसे हम ढके रहने देंगे। अब ये हमारा आटा थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसे हम एक प्लेट में खाली कर देंगे और इसे नीट कर देंगे। तो ये जो डो इस आटे का बनेगा, इसे लगभग 5 मिनट के आसपास नीट करना होता है। अगर आप नमक डाल देते हैं आटे में तो आपको जितना आटा आपने नीट किया है वो तुरंत यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आपका आटा ढीला हो जाएगा। पर जैसे आप अगर आप खाली फुलके रोटी के लिए आपने ये आटा बनाया है तो आपको अगर आपने नमक नहीं डाला है तो आप इसको नीट करके थोड़ी देर छोड़ भी सकते हैं। ये हमारा आटा रेडी हो गया है। अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मली जो आपका ग्लूटेन फ्री आटा बनता है उससे बहुत अलग है, इसका कोहिसिवनेस बहुत अलग है और ये आसानी से हम इसे बेल पाएंगे। तो अब हम इसे बेलना शुरू करते हैं। अब हम अपना आटा लेंगे, एक लोई आटे के लिए हमने, ये आप देखिए कितना अच्छा नीट हुआ है। इसमें थोड़ा ड्राई आटा परथन लिया हमने, और इसकी अगर थोड़ा बड़ा पत्थर लेंगे, बड़ा लोई लेंगे तो और बड़ी रोटी भी बन जाएगी। मैं थोड़ी छोटी छोटी रोटियां बना रही हूँ। यही अगर इसमें हम प्याज वगैरह कुछ नहीं डालेंगे तो ये फुलके रोटी की तरह भी बन सकती है हमारी। और ध्यान रखें कि इसको पकाने के लिए थोड़ा हमारा गैस जो है अच्छे से गर्म होना चाहिए, इसमें तवा हमारा जो है अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो इसमें हम थोड़ा तेल लगाएंगे। तेल वाला स्टेप आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। गरम तवे में ये रोटी बहुत अच्छी बनती है। और यही मान लीजिए बहुत सारे लोग व्रत के टाइम पे भी बनाते हैं। ये सावा के चावल के आटे की रोटी है, इसमें प्याज ना डालें आप तो इसको आप व्रत के टाइम पे भी खा सकते हैं। चाहे तो आप इसमें थोड़ा बहुत मूंगफली डाल सकते हैं पीस के, ये बहुत अच्छी बनती है। और कुछ भी आपको इसकी पूड़ी या इस टाइप की चीज़ें बनाने के लिए, इस टाइप का पराठा बनाने के लिए इसमें आलू वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसको आप चटनी के साथ, रायते के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। एक रोटी हमारी पक के तैयार है, दोनों तरफ से देखिए बढ़िया से पक गई है। दूसरी अभी पक रही है। अगर आप देखें कि रोटी में क्रैक्स आ रहे हैं तो एक गीले कपड़े से आप उसको हल्का हल्का छू के स्मूदन आउट भी कर सकते हैं, वो क्रैक्स आपके ठीक हो सकते हैं।
इसको आप चाहें तो विद तेल डाल के बना सकते हैं, बिना तेल के भी बना सकते हैं। ऐसे प्रेस करने से इंश्योर होता है कि अगर थोड़ा बहुत भी कच्चापन रोटी में रह गया है तो वो अच्छे से पक जाएगी। और ये हमारी दूसरी रोटी भी बनके तैयार है।